थ्री जो है इसमें वही कलाकार होंगे जो पुराने थे, वो तो है ही है, साथ में कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे, जैसे दिनेश लाल यादव है, खेसारी लाल यादव है, पवन सिंह है, ये जुड़ेंगे, साथ में नए स्टार कुछ है वो इसके साथ जुड़ेंगे, एक मेगा बजट ह्यूज प्रोजेक्ट है। सर ये रियलिस्टिक है, ये जो है उस तरह की फिल्म है जो समय परिस्थितियां उसके साथ चल रही है, कैसे आदमी में चेंजेस होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है और आज की परिस्थितियों में ये फिल्म बन रही है। और ये स्टार्ट होती है ये जर्नी 25-30 साल पहले से, तो एक तरह से ये सिक्वल है ही है, साथ ही साथ ये एक जर्नी भी है, यात्रा है। और फिर एक जगह एक पड़ाव जाके उस प्रतिज्ञा लेते हैं कि आसपास के जो है फिलहाल बोले हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आसपास के लोग हैं जो बुराइयों की जड़ है इनको खत्म किया जाए। सर बस बहुत जल्द से बात करेंगे, है ना, स्क्रिप्टिंग तकरीबन हो गई है, अब रिकॉर्डिंग में जाएंगे, फिर डेटों का कॉम्बिनेशन जैसे रिकॉर्डिंग होगी उसमें तो डेटों का कॉम्बिनेशन, लोकेशन हंटिंग, ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से ये सितंबर में शुरू हो जाना चाहिए। एक्चुअली जहाँ तक मुझे जानकारी है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहली प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा, दूसरी प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा, बतौर एक्टर सुशील सर के साथ मुझे अभिनय करने का मौका मिला, तो एक बहुत ही एक हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा एक ट्यूनिंग है हमारे बतौर एक्टर और डायरेक्टर, चूँकि मैं तो डायरेक्शन भी करता हूँ लेकिन मैं और सब फिल्में हैं, लेकिन अभी क्या इनके साथ मैंने जो किया है एज एन एक्टर, और मैं शायद इसमें भी हो सकता हूँ बता रहा है, तो ये अभी गुप्त है क्योंकि कास्टिंग अभी बहुत जल्द उसकी जारी की जाएगी, कौन कौन होंगे इस फिल्म में, और इसकी सूचना बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी। चूँकि आज हमारे जो इसके सबसे पहले प्रतिज्ञा के जो निर्माता अनिल सम्राट जी रहे हैं वो इसके कर्णधार कहे जाएंगे, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका बतौर निर्माता प्रतिज्ञा में निभाई, प्रतिज्ञा टू में उन्होंने बतौर एक्टर भी अपना किरदार एक निभाया है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है 10 तारीख आज, और आज के दिन एक अच्छा मुहूर्त था तो एक अनाउंसमेंट इस फिल्म की करनी थी, चूंकि बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी प्रतिज्ञा थ्री की, और चूंकि सुशील सर ने पहली प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा टू को जिस तरीके से पिरोया दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया, तो ये सबको पता है कि दोनों ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा, जब सिनेमा हॉल का दौर था, दोनों ही ने सिनेमा घरों में काफ़ी धूम मचाया। और ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीविजन सैटेलाइट पे भी दोनों फिल्मों की प्रतिज्ञा दोनों सीरीज की काफ़ी धूम रहती है, बहुत ऊंची TRP रहती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रतिज्ञा थ्री की प्लानिंग की गई है, क्योंकि प्रतिज्ञा थ्री है तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई ना कोई प्रतिज्ञा तो लेने वाला होगा, और क्या प्रतिज्ञा होगी और उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेंगे हमारे इस फिल्म के नायक किरदार, वो इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बहुत अच्छा संयोग बना है, जैसा कि सर ने भी बताया कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और गीत संगीत का भी कार्य चल रहा है, विनय बिहारी जी से जुड़े हुए हैं और भी हमारे बहुत सारे पुराने टेक्नीशियन इसमें जुड़े हैं, लेखक संजय राय है जिन्होंने प्रतिज्ञा 1 लिखी थी, प्रतिज्ञा 2 लिखी है और प्रतिज्ञा 3 भी उन्होंने ही लिखी है, तो एक बेहद रोचक प्रोजेक्ट बनने वाला है और आप सबकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही एक अच्छी
कामयाब और इंटरटेनिंग फिल्म होगी प्रतिज्ञा 3। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब सीक्वल, हाँ, आप जब सीक्वल बनते जाते हैं, एक हुआ दो हुआ तीसरे में आया, लोगों की उम्मीद बढ़ती है। हाँ जी। और जिस हिसाब से टाइटल और पिछला जो है इसमें मार फाट तो होने वाली है। हाँ जी, हाँ। तो नया जमाना आ गया, नया बहुत कुछ नया चेंज हुआ है। हाँ। क्या कुछ नया इसमें मार फाट देखने को मिलेगा, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कुछ उस बारे में खुलासा करना चाहेंगे? ये रियलिस्टिक है, आज जो फिल्में बनती रही हैं उसमें लोगों ने साउथ फिल्मों की कॉपी की है। साउथ फिल्में जो होती है ना, ये हमारा ये प्रतिज्ञा 2 में भी था, हमारा 1 में भी था, लेकिन ये बड़ा हैंड टू हैंड फाइट, रियलिस्टिक फाइट, रियलिस्टिक पंच, सब रियल होगा। ये फिल्म अलग सीक्वेंस होगी, ये लगेगा नहीं कि सिनेमा बन रही, ये लगेगा कि हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे आप पंचायत देखकर पंचायत एक हिट हुआ, ऐसा लगेगा अरे ये तो सारा हमारे साथ हो रहा है यार, एकदम रियलिस्टिक। सर ने बताया कि भाई इस बार थोड़ा फिल्म की कहानी में या इसके प्रेजेंटेशन में काफी रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा। हाँ। तो आप देखेंगे जैसा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो हमारे आसपास आमने सामने हमारे बीच की कहानी है, तो इस तरीके से सर की ये एक योजना है कि इसको रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने की योजना है प्रतिज्ञा 3 को। मैं समय काफी बीत चुका है, प्रतिज्ञा का पार्ट 2 है जो मुझे लगता है कम से कम 2014 में शायद आया होगा। यस यस यस। तो करीब 8 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ जी। बहुत समय नहीं लग गया क्या फिल्म को बनाने के लिए, जो इसका सीक्वल है या पार्ट 3 है उसे आने में? हाँ, टाइम तो लगा है, उस बीच में मेरी भी व्यस्तता थी, एक फिल्म बना रहा था सम्राट जी के साथ जरा जी, जरा 2, पहला पार्ट अजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया था, दूसरा पार्ट मैंने बनाया था सम्राट जी के साथ। उसके बाद जो है मैं लल्लू की लैला एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है, उसमें बिजी हो गया था मैं, ठीक है ना। अब जो है समय मिला है क्योंकि एक सर्जरी थी मेरी, मुंह की सर्जरी है, उस वजह से थोड़ा मैं ये झुका हुआ है, इसलिए टाइम लगा, अब फ्री हुए तो बना। जैसा कि मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को जानकारी है या नहीं भी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, सुशील उपाध्याय जी जो कि प्रतिज्ञा के डायरेक्टर रहे हैं, एक सफल डायरेक्टर है, प्रतिज्ञा ही नहीं इसके अलावा भी कई कई लोगों की जब इस दौर की शुरुआत हुई तो सबसे पहली पिक्चर कन्यादान रवि किशन रवि किशन कुणाल सिंह जी को लेकर इन्होंने मनोज तिवारी जी गेस्ट अपीयरेंस आइटम नंबर जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहूंगा काफी समय तो बीता है, अब मैं जो कहना चाह रहा था एक्चुअली, तो एक सफल निर्देशन के तौर पे ये सुशील जी ने किया है, चूंकि अभी इनकी थोड़ी तबीयत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और इनके सर्जरी हुई है, तो ये कुछ दिनों से बेड रेस्ट पे थे, और मैं यूं कहूंगा कि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वापस आए हैं, और एक ये भी वजह है कि इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, तो एक मेजर सर्जरी हुई है इनकी, लेकिन अब ये बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, और उसी जोश जुनून और विश्वास के साथ प्रतिज्ञा 3 की मेकिंग के लिए आए हुए। सर मेरा एक सवाल थोड़ा जी, नया नया समय आया सर, कोविड के बाद वेब सीरीज का समय चला, आप कह रहे हैं रियल थोड़ा फाइट दिखाएंगे। Yes. जब इस तरह की होती है, नए समय में गाली गलौज भी आ रही है। हाँ। दिखाया जा रहा है कि कुछ इसमें भी ऐसा होगा, रियल दिखाने के लिए गाली गलौज होगी, हो सकता है, हो सकता है, वही तो हो सकती है जहां तक सेंसर अलाउ, जहां तक सेंसर अलाउ करेगा, बाकी रहेगा वो कहीं और यूज होगा। हाँ जी हाँ, अब मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वही है सेंसर को मद्देनजर वो रहेगा वो। अच्छा सर, एक ये भी जानते हैं संगीत को लेके क्या कुछ तैयारियां होंगी इसके अंदर, किस तरह का संगीत आएगा? संगीत विनय बिहारी जी, गीत संगीत विनय बिहारी जी का होगा, जैसा कि प्रतिज्ञा पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में भी उन्हीं का काफी योगदान रहा, गीत से जुड़े रहे, लेकिन इस बार संगीत भी वही करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही गुणी और एक अच्छे रचनाकार कह लूँ और संगीतकार कह लूँ, ट्यून भी बहुत अच्छा बनाते हैं, उन्होंने बताने की जरूरत नहीं है, विनय बिहारी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है गीत संगीत में, तो एक और ये भी किसी से छूटा नहीं है कि एक ही फिल्मों के अंदर कई कई गाने उनके हिट रहे हैं, प्रतिज्ञा के दोनों सीरीज के कई गाने हिट हैं, ये सबको पता है, तो इस बार भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बहुत ही संगीतमय फिल्म देखने को मिलेगी। संगीत, यस यस,
तो गीत संगीत एक बेहद इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप इसका आनंद उठाएंगे। दो सफल शिखर बन चुका आगे तीसरा है तो कितना ज्यादा आनंद रहेगा आपका जो एसोसिएशन है वो बताइए। सर बैठिए। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से नहीं अनिल सम्राट जी से है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मैं इस फिल्म का पार्ट रहूँ। मैं उनके जन्मदिन है आज उनका 10 तारीख है तो मैं उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और प्रतिज्ञा 3 के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज सर्वाइव कर रही है और अच्छा कर रही है। आज 22 चैनल है और इन फिल्मों का योगदान है। बड़ी बड़ी हिट हुई तभी आज इतने सारे चैनल इतनी सारी चीज़ें खुली हैं। बस आप लोगों से यही दुआ करता हूं और अनिल जी से कि अच्छे अच्छे सिनेमा बनाए और भोजपुरी को और आगे बढ़ाए। सर आप चाहते हैं क्या कहते हैं काफ़ी सफल रहा पहले भी जो पार्ट आया है ये कितना अच्छी फिल्म है। पहले भी अपना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनेगी उससे ऊपर ही बनेगी दोनों फिल्म से ऊपर ही बनी। पर फिर भी जब सीक्वल कुछ होता है तो लोगों को उम्मीद ज्यादा होती है सफल हो जाता है पहले फर्स्ट पार्ट अगर सफल है सेकंड पार्ट सफल है तो तीसरे में उम्मीद ज्यादा रहती है दर्शकों की बेहतर होना चाहिए। डायरेक्टर सब पे उम्मीद है और अच्छा ही करेंगे और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा 3 से ऑडियंस वापिस थिएटर में आएगी। और आज के जमाने में ओटीटी प्लेटफॉर्म का चलन है क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है वो भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल है। अभी आपने देखा होगा चौपाल करके एक ओटीटी ऑलरेडी भोजपुरी का लॉन्च हो गया है और ओटीटी तैयारी पे है जिनको बारे में मैं जानता हूँ। तो क्योंकि अपने पास हम लोग वर्ल्ड की 3rd लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है शायद आप लोगों को भी इस बात का पता है तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाला समय अभी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री 18 साल की ही है 25 की होने दो मेरे को उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री भी और अच्छी हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। मेकर चेंज हो जाएंगे थॉट प्रोसेस। आप जितनी भी वेब सीरीज हिट हो रही हैं कोई यूपी या बिहार बेस्ड ही हिट हो रही हैं आप देखेंगे जितने भी कंटेंट्स हैं तो कुछ समय बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी अच्छे मेकर आएंगे जो कि ये सोचेंगे कि भाई जब हिंदी में बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्योर भाषा में क्यों नहीं बनाएं।